नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और आपका मेरे YouTube चैनल बड़ा डी में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ नया कुछ खास लेके आया हूँ, शायद सबसे अलग होगा। प्रभु राम, अयोध्या श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनके मंदिर के बारे में आपने न्यूज़ में तो बहुत ही कुछ सुना होगा, बट कुछ मैं ऐसे आसक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो शायद आपने नहीं सुना होगा। अयोध्या राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त 2020 में हुआ था, और इस मंदिर का जो प्रतिष्ठा होना है, इनाग्रेशन होना है, वो 22 जनवरी 2024 को होना है। यह मंदिर भारत में सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर को जो डिजाइन किया था, जिन्होंने इस मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया था, वो अहमदाबाद गुजरात के हैं, जिनका नाम चंद्रकांत सोमपुरा है, और दो बेटे आशीष और निखिल ने मिलकर इस डिजाइन को कम्प्लीट किया था। इस मंदिर में कुल 44 दरवाजे होंगे और ये दरवाजे जो हैं वो सोने की लेपों से बने होंगे। लगभग 100 किलो गोल्ड का उपयोग किया जाएगा इस दरवाजों को बनाने में। इस मंदिर के निर्माण में लोहा स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर को बनाने में पूरा सीमेंट का, पत्थर का, ईंट का उपयोग किया गया है, और जो भी ईंट इसमें उपयोग की गई है उन सारे ईंट में प्रभु राम का नाम लिखा गया है। उन्हीं के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर की अनुमानित आय मानी जाती है लगभग 2500 साल वर्ष, और ये मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यदि भूकंप 6.8 रिएक्टर स्केल पे भी आए तो इस मंदिर का कुछ भी बाका नहीं कर सकता, ऐसा इस मंदिर को बनाया गया, ऐसा मंदिर को डिजाइन किया गया है। इस मंदिर को लार्सन एंड टर्बो नाम की L&T नाम की कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है। मंदिर के ठीक नीचे लगभग 2500 फीट एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। उस टाइम कैप्सूल का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है इस मंदिर की, इस मंदिर का जो पहचान है, वो समय के साथ साथ बरकरार रहे, इसलिए उनको रखा गया है। कभी भी कोई भी देख सकता है प्रभु राम के जीवन चरित्र के बारे में, पूरी स्टोरी के बारे में सब कुछ इसमें रखा गया है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो रामलला की मूर्ति है, वो गंडक नदी नेपाल के 1 शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है, और बनाने वाले जो शिल्पकार हैं वो मैसूर कर्नाटक के अरुण योगी राज हैं, शायद आपने सुना नहीं होगा नाम। और राम मंदिर में जो यूज होने वाला घंटा है वो लगभग 2100 किलोग्राम का है। इसको बनाने के लगभग 5 लाख रुपए लगे हैं, और यह अष्ट धातु से बनाया गया है। इस घंटे को जब आप बजाओगे तो इसकी जो स्वर है, जो ध्वनि है, वो 15 किलोमीटर तक जा सकती है। और एक नया और फैक्ट है कि इस मंदिर में जो घड़ी लगने वाली है, उत्तर प्रदेश के एक अनिल कुमार हैं जिन्होंने बनाई है। इस घड़ी में लगभग 9 देश का टाइम एक साथ देखा जा सकता है, और ये घड़ी 75 सेंटीमीटर डायमीटर की है। शायद आपको ये सुन के बहुत मजा आया होगा ऐसे फैक्ट के बारे में। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।